गानों के संग। आइए आगे बढ़ते हैं अब उस अदाकारा की ओर जिसके लिए कहा जा सकता है चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वहीदा रहमान जी एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें लोग पसंद तो करते ही हैं, साथ ही इनके प्रति आदर भाव भी रखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह बड़े स्पष्ट विचारों वाली, आत्मविश्वास से भरपूर अभिनेत्री रही हैं। बचपन में एक बार इन्होंने अपने वालिद से कहा, पापा मुझे लगता है मेरा पेपर में एक दिन फोटो आएगा। उसके बाद हुआ यूँ कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी का वहाँ आना हुआ, जहाँ वहीदा जी के वालिद यानी पिताजी पुलिस कमिश्नर थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके स्वागत समारोह में कोई पेशेवर कलाकार न हो, वे स्थानीय लोगों की कला को देखना चाहते थे। तब वहीदा जी ने उनकी बहन की तबले की थाप पर भरतनाट्यम नृत्य किया और उनका फोटो मशहूर अखबार द हिंदू में आया। यह वहीदा जी का पहला ख्वाब था जो पूरा हुआ। तो आइए ऐसे आत्मविश्वास और ऊंचे ख्वाब रखने वाली वहीदा जी के गानों पर आधारित सिक्स्थ के विद्यार्थियों की यह प्रस्तुति देखते हैं। इन बच्चों ने ली है जगह उन सितारों की,
तो आइए चांद से चमक के हमारे नन्हे बच्चों की अगली प्रस्तुति उस कलाकार के गीतों पर आधारित है जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। फिल्मी दुनिया का एक सुनहरा पन्ना सभी के दिलों पे जिसका राज है वे है अपने राजेश खन्ना। राजेश खन्ना जिस तरह